बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू लैंड सर्वेयर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपके शेयर से किसी न किसी दोस्त का फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए या एंड्रॉयड ऐप को यूज़ करके हम लोग अपने कोऑर्डिनेट्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास डेसिमल डिग्रीज में या लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में कोई कोऑर्डिनेट से कोई डेटा है, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट यानी ईस्टिंग नॉर्थिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या अगर हमारे पास डिग्री मिनट सेकेंड्स हो तो उसको हम लोग यूटीएम कोऑर्डिनेट्स या डेसिमल डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग अपने ऐप को इंस्टॉल करेंगे फ्री में, और इसके बाद इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप लोग अपने प्ले स्टोर को ओपन करें। जो भी आपके पास प्ले स्टोर है, आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है यहाँ से UTM-LAT/LONG। आप UTM लेटीट्यूड लॉन्ग कन्वर्टर भी लिख सकते हैं, आप UTM लेट लॉन्ग कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिख दिया है यहाँ पे UTM-LAT/LONG और इस पर मैंने क्लिक किया। इसको सर्च करने के बाद हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे। प्ले स्टोर हमें मुख्तलिफ ऑप्शन देगा, तो आपने यहाँ से डाउनलोड करना है UTM-LAT/LONG कन्वर्जर, जो कि आर्क ग्रीक का एक सॉफ्टवेयर है। आर्क ग्रीक कंपनी ने इसको बनाया हुआ है। मैं रिपीट करूँ कि आपने डाउनलोड करना है UTM-LAT/LONG कन्वर्जर, आर्क ग्रीक वाला जो ऐप है, आपने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आप लोग इसको इंस्टॉल करें। मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ से ओपन करूँगा। फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम जो है ये नेट के बग़ैर भी काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ से मैं अपना नेट ऑफ़ कर लेता हूँ। ऑफ़ करने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको ये समझ आ जाएगी, आप लोग ख़ुद देखेंगे प्रैक्टिकली कि ये इंटरनेट के बग़ैर काम कर रहा है, और दूसरा अगर इधर कोई एड वगैरह आते हैं तो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो चलिए मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने इसको क्लिक करके ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद हमारे पास जो होम स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। देखिए, यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टॉप पे जो ऑप्शन है वो है कन्वर्ट डेसिमल डिग्रीज, सेकंड ऑप्शन है कन्वर्ट डिग्रीज मिनट सेकंड्स, और जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो है कन्वर्ट स्टैंडर्ड UTM। यानी ये तीन किस्म के डेटा जो है हम लोग इस ऐप के ज़रिए फ्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कन्वर्ट डेसिमल डिग्रीज वाले ऑप्शन को। तो मैंने इसको यहाँ से ओपन किया। ये देखिए, ये मेरे पास है पहले नंबर ऑप्शन कन्वर्ट डेसिमल डिग्रीज। इसको मैंने यहाँ से इस पर क्लिक करके मैंने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे टॉप पे यहाँ पे आपने WGS-84 लिखना है, या जो भी आपका डाटम हो वो यहाँ आपने ऐड करना है। इस जगह पे आपको शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपने लॉन्गिट्यूड देना है, और इसके बाद यहाँ पे आपने देना है जनाबे वाला लेटीट्यूड यहाँ पे देना है, सॉरी, और सेकंड वाले ऑप्शन में आपने लॉन्गिट्यूड देना है। तो सबसे पहले मैं लेटीट्यूड यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। मेरे पास है 33.015, और मेरे पास जो लॉन्ग है वो है 70.6928। तो अभी देखें, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल, एक है हमारे पास कन्वर्ट नो, और सेकंड है हमारे पास ओपन मैप। अगर आप ओपन इन मैप पे करेंगे तो ये हमें गूगल मैप पे लेके जाएगा और वहाँ पे इस लोकेशन को ऑन करेगा, या हमें वो लोकेशन शो कराएगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट कन्वर्ट पे करेंगे तो ये हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पे कन्वर्ट करके देगा। क्योंकि हमने सिर्फ कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ से कन्वर्ट नो पे क्लिक करता हूँ। देखिए, मैंने कन्वर्ट नो पे यहाँ से क्लिक किया, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे जो कोऑर्डिनेट है वो कन्वर्ट हो गए हैं दो फॉर्मेट्स में मेरे कोऑर्डिनेट्स कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पे आप देखें, डिग्री मिनट सेकंड्स में ये कन्वर्ट हुए हैं, और नीचे जो है स्टैंडर्ड UTM में कन्वर्ट हो गए हैं, जहाँ पर आपको ये आपका जो जोन शो कर रहा है, ईस्टिंग शो कर रहा है और नॉर्थिंग शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर डिग्री मिनट्स और सेकेंड्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये हमारा इसका जो ऑप्शन नंबर वन है, इसको हमने यूज़ करके ये डेटा कन्वर्ट किया। अभी हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर डेटा पे।
तो सेकंड पे जाके आप लोग देखें, यहाँ पे आपने देना है डिग्री मिनट सेकंड्स। तो मैं यहाँ से वापस जाता हूँ और यहाँ पे पहले मैं चेक कर लेता हूँ अपने जो डिग्री मिनट सेकंड्स है वो कोऑर्डिनेट्स, ताकि एक्चुअल मुझे पता चले 33.015 और लॉन्ग है हमारे पास 70.6928 कन्वर्ट नो। तो 33.54 है हमारे पास और 70.4134 है। तो अभी हम चलते हैं, ये देखें मैंने इधर दिया 33.0654 और यहाँ पे हम लोग देते हैं कुछ भी दे लेते हैं, चलो मुझे याद नहीं, 30.47 और 45 और मैंने कन्वर्ट नो कर दिया। तो देखिए इधर हमने इसने हमें लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का डेटा दे दिया, देखिए लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में कन्वर्ट हो गया, इधर ईस्टिंग नॉर्थिंग में ये कन्वर्ट हो गया है। अभी हमने थर्ड ऑप्शन देखना है, थर्ड है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स का, कन्वर्ट स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास है कन्वर्ट स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट। इस पर आप क्लिक करें और जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स है वो आप लोग यहाँ पे ऐड करें। फॉर एग्जांपल यहाँ से पहले आपने जोन देना है, जोन मेरे पास है 42, इधर से आपके पास साउथ हो तो साउथ सेलेक्ट करें, नॉर्थ हो तो नॉर्थ सेलेक्ट करें, मेरे पास एन है तो मैं एन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपने देना है यहाँ से 60, जो आपके पास ईस्टिंग है ईस्टिंग देना है 65.8097.413, आपके पास जो भी डेटा हो आपने यहाँ पे देना है। नार्थिंग मेरे पास है 36.54257.917 और यहाँ से आप लोग इसको करें कन्वर्ट। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो देखिए इसने हमें हमें दो किस्म के डेटा कन्वर्ट करके दिया है, ये हमारे पास होगा लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड और ये हमारे पास होगा डिग्री मिनट सेकंड्स। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का एक छोटा सा लेसन, बहुत बेहतरीन ऐप है, आप लोग इसको फ्री में डाउनलोड करें और अपने इस्तेमाल में ला के इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।